तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 9 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आज हम दोस्तों अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आज यहाँ से देखने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होंगे और इसके अलावा प्रिंटेड पेज इसमें पूरे 8 होंगे। और दोस्तों आप यहां से देख सकते हो टोटल ये आपका 75 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैंने आपको पहले भी आपको सेट बी पहले बता चुका हूँ और आज दोस्तों आज हम सेट ए को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर सेट ए वाला पेपर बताओ। तो जितने भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हमारे पास में सेट ए वाला पेपर आएगा, तो देखिएगा दोस्तों आपके लिए मेहनत करके मैं यहाँ पर सेट ए भी लेकर आ चुका हूँ। तो पूरी तरह से आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि तो आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आपका अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा अंतिम समय तक जरूर देख कर जाएँ, ताकि दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में दिखाए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9 का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का सेट ए किस प्रकार का आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका कक्षा 9 का आपका क्वेश्चन पेपर, जिसको कि आज हम पूरा हल सहित देखने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से एक पैसेज पूछा जाएगा। आप सभी लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। और दोस्तों इस पैसेज में से फिर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख सकते हो क्या लिखा है, स्मोकिंग इज किलिंग अबाउट पीपल एवरी डे। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका फर्स्ट का ही राइट आंसर हो जाएगा, 2002 लोग इससे मर रहे हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द कंट्रीज वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप। तो देखिएगा ऐसे कंट्री जहां पर स्मोकिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो यहां से आपको इसका उत्तर लिख लेना है, ऑल ऑफ देश। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्मॉल ए रीजन, सेम ए रीजन। तो देखिएगा सी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का कोज। और इसके अलावा डी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, ब्राइट द सिनोनिम्स ऑफ द अलार्मिंग। तो देखिएगा अलार्मिंग तक का सिनोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें या चाहे मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा एक यहाँ पे शब्द आया था आपका इसी पैसेज में, ये इसका सिनोनिम्स था। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ब्राइटनिंग इसका सिनोनिम्स था। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कहाँ मिलेगा ये आपको, आप थोड़ा सा इसमें कोशिश करें तो यहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे, ये इसका सिनोनिम्स है। वैसे चलिएगा मैं आपको नहीं मिल रहा तो लिख के ही बता देता हूं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, फ्राइटेनिंग। यहां से आपको ये लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो ई नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से आपको लिख लेना है, हायर एजुकेशन ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा, हायर एजुकेशन ग्रुप। यहां से आप पूरा लिख लें इसको। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे हेलन केलर वाला पैसेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके हम उत्तर ढूंढते हैं, वी लर्न टू स्पीक। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, इसमें इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, इसका राइट आंसर आपका आएगा, व्हाट वी हियर। यहाँ से आप लोग देख लें, व्हाट वी हियर, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट डिड हेलन डू फॉर। देखिएगा मिस सुलिवान हेल्पड हेलन टू। तो देखिएगा मिस सुलिवान ने किसे हेल्प की, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, स्पीक रीड एंड राइट। तो देखिएगा इसका दूसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा, स्पीक रीड एंड राइट, स्पीक
रीड यहाँ से लिख लें एंड राइट यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अब इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, व्हाट डिड हेलन डू फॉर ब्लाइंड एंड डीप। तो देखिएगा इसका उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखिएगा हेलन, देखिएगा सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ वर्किंग द ब्लाइंड एंड द डीप, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा डी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसको आप सभी लोग पढ़ लेंगे। तो देखिएगा डी नंबर का जो राइट आंसर होगा ये आपका दूसरे नंबर का होगा, एट द एज ऑफ 2। इसके अलावा ई नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा दोस्तों, ब्लाइंड। आप लोग यहां से इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। और सेक्शन बी में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। वैसे तो दोस्तों आपको नोट मेकिंग समरी बनाना आती होगी, और अगर दोस्तों नहीं आती है तो यहां पर आपको एक आई बटन नज़र आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी इसको बनाना सीख सकते हो। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट रिलेटेड टू द जनरल मैनेजर और एमपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये आपसे पूछा गया है और उसी के अथवा में ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और यहाँ से हम सेक्शन सी को भी देख लेते हैं। सेक्शन सी में जो जो भी पेसेज में यहाँ पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगी, तो चलिएगा वन बाई वन करके पूरी की पूरी ग्रामर का हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको शुड लिख लेना है, और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इसमें आपको कम लिख लेना है, और इसके अलावा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको आर लिख लेना है, और इसके अलावा तीसरे के बाद में चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको डज लिख लेना है, और इसके अलावा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको ए लिख लेना है, और छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर ओप लिख लेना है, और इसके अलावा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख लेना लिटल। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लें। और आगे यहां से आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में डू ए डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। वैसे तो ये आपको बनाने आते होंगे, और नहीं आते तो यहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी इनको बनाना सीख सकते हो। और आगे यहाँ से सेक्शन डी दिया जाएगा। सेक्शन डी में आपसे इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इनके उत्तर को देख लें। व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रदर बोरिंग। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज डायनामी द नेम ऑफ द, देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, ए न्यूज़पेपर। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे वाइंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डज द अदर बिलोव्ड फील द टच ऑफ द अर्थली लाइफ नाउ, तो देखिएगा ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लें नो। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है आप सभी लोग यहां से इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखिएगा यहाँ पर ये जो पैसेज आपको दिया गया है इसके उत्तर आपको लिख लेने हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज बींग रेफर्ड टू इन द पैसेज, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा फ्लूट सेलर। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द फ्लूट ऑन द पोए पोल आर कंपेयर्ड टू, देखिएगा बी नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका लिख लेना है क्वेल ऑफ द पर्सन, ये आप लोग यहां से लिख लें। और सी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको दोस्तों इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द क्लियरली, तो देखिएगा क्लियरली का एंटोनिम्स क्या होगा ये यहां से आपको बता लेना है। तो देखिएगा आप सभी लोग यहां से इसको देख लें, तो ये इसका हो जाएगा डाउटफुली। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें एंटोनिम्स ऑफ द डाउटफुली, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन इसी में दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर बी में इस प्रकार की पोएम दी जाएगी, टू रोड डिवाइडेड ये वाली, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको पढ़ लें। तो देखिएगा इसमें पहले का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, और दूसरे की बात की जाए तो दूसरे का राइट आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और सी नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से आपको लिख लेना है, देखिएगा स्प्रेडिंग ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें इसका राइट आंसर आपका आएगा सीरियस। तो आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लें। और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। और ये देखिएगा सभी के सभी प्रश्न उत्तर आपको जो दिए गए हैं आप सभी लोग यहाँ से इनको तैयार करें, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से
तैयार कर लें और आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल दोस्तों इस प्रकार से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।